जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की। आपको पता है दोस्तों री एग्ज़ाम की चर्चा चल रही थी, उसी बीच में एक चर्चा और होती है, आज के पेपर में निकलता है कि साथियों जिसने दोस्तों पहले एग्ज़ाम कराया था, यानी जो हमारा फरवरी में यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसके दोस्तों पेपर लीक हुए थे, उस कंपनी को ही दोस्तों ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है मामला, इस पर बात करेंगे। तो क्या दोस्तों इसके एग्ज़ाम की डेट और आगे खींचेगी या सही वक्त पर जैसा कि हम लोग अनुमान लगा रहे थे उसी समय पेपर होगा, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आज के पेपर में, आप देखेंगे तो क्या लिखा है, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट। दोस्तों इसका नाम क्या था कंपनी का, एजू टेस्ट नाम था, हुई ब्लैकलिस्ट। देखिए क्या हुआ कि एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण, पेश नहीं हो रहा निदेशक, यानी निदेशक दोस्तों भाग गया है, वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, पूरी खबर पढ़िएगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं दिया जाएगा, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारियां चल रही। मतलब इसको अब कोई भी पेपर कराने को मौका नहीं मिलेगा प्रदेश में, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि एजू टेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ ने 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने की दोस्तों तलब कर चुकी, लेकिन वह पेश नहीं हुआ है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद वह अमेरिका चला गया, उसके बाद लौटा ही नहीं। दोस्तों सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय आकर बयान दर्ज नहीं किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले, इसी आधार पर बीते 4 माह से विनीत आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं पेपर लीक कराने में अहम निभाने वाले प्रयागराज के नवीन, राजू नयन मिश्र के बयान से के आधार पर एसटीएफ के मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश का भी दोस्तों तलाश जारी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बता दें कि अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट गलती है, तो पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं है ऐसा कहा गया। पहला कहा जा रहा था दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट के जरिए जो चीज़ें हुई हैं उसकी भी गलती है, मगर दोस्तों उसके खिलाफ कोई भी दोस्तों क्या है, कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी की पेपर लीक में संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप समझिए। तो साथियों ये भर्ती बोर्ड तो क्या हो चुका है दोस्तों, ब्लैकलिस्ट हो चुका है। अब देखिए एक देखिए बहुत आज फिर दोस्तों 18 जून का ये वायरल हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है ना, 2023 के लिखित परीक्षा पुनः आयोजन के लिए। दोस्तों ये देखिए ऐसे रेगुलर होते दोस्तों, पता नहीं क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर क्या क्या करने की बात की गई थी दोस्तों। ठीक, हो सकता है आपके पास भी आया हो। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों रेगुलर के रेगुलर दोस्तों ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं। अब क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ पे बात करें तो साथियों आपको लगता क्या है, ठीक है आप लोगों को क्या लगता है। देखिए जहाँ तक दोस्तों मुझे पता था कि दोस्तों ये जो है इस कंपनी से पहले भी दोस्तों जो सीएम है वो करवाने वाले पेपर नहीं थे, उन्होंने दोस्तों कई कंपनियों को वैसे भी आवेदन दिया था। ठीक है, और मुझे जहाँ तक दोस्तों लग रहा था कि हाँ कुछ कंपनियाँ फिक्स भी हुई हैं, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है दोस्तों इस पर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि ये जल्द ही दोस्तों अगर कंपनी नहीं हायर हुई तो कंपनी हायर भी कर लेंगे। देखिए जब सरकार करवाने के मूड में आती है ना तो वो बहुत कुछ करवा सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि पेपर आपके दोस्तों अगस्त को टारगेट करके ही चलना चाहिए। ठीक है, अगस्त को आप टारगेट करके चलें। देखिए बहुत से बच्चे के हाँ ढीले से हो गए कि सर नहीं होगा पेपर, भैया जिस दिन होगा ना पेपर बहुत ही जल्द डेट आएगी, बहुत जल्द पेपर करवा ले जाएगा, उस समय आप केवल और केवल ना अपने आप को दोष देते फिरेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपसे कहूँगा कि भैया पेपर मुझे लगता है दोस्तों अगस्त में ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करते रहें और बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरा कर्तव्य दोस्तों मैं करता चाह रहा हूँ और आपको बता दूँ
कि साथियों आप सभी के लिए यूपी पुलिस के क्लासेस मैं लेकर के रेगुलर आता हूँ। स्टैटिक जीके दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही हैं, स्टैटिक जीके 2.0। देखिए 2.0 का नाम से इसलिए बनाया क्योंकि दोस्तों ये एकदम लेटेस्ट क्लासेस हैं, अपडेटेड वर्जन के साथ दोस्तों इसको मैं करा रहा हूँ इसलिए। ठीक, इसके अलावा संविधान दोस्तों करा रहा हूँ, भूगोल करा रहा हूँ, ठीक है, भूगोल के बाद दोस्तों करंट अफेयर भी करा रहा हूँ, उसके अलावा दोस्तों इतिहास करवा दिया, हिंदी करवा दिया और यूपी स्पेशल भी करवा दिया। अब जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ हो जाए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ दोस्तों जाएँ ई बुक्स वाले कॉलम पे। अब जैसे जाएंगे दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये आपके संविधान की ई बुक है, मात्र 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। अब देखिए अगर दोस्तों इसको आप कोई जानकारी चाहिए दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। ठीक है, ये 50 रुपये में संविधान की और ये भूगोल की दोस्तों इतिहास की 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर बैच 199 में यूपी 666 सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक, और ये दोस्तों स्टैटिक जी के, जिससे हमने दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक के फंसे थे, मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। दोस्तों कैसे मिलेगा, तो ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाकर के ले सकते हैं दोस्तों, इस नंबर पर 99 रुपये पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजकर व्हाट्सअप करके दोस्तों ये चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे सारे टॉपिक होंगे स्टैटिक जीके A to Z। ठीक है, और दोस्तों एक एक क्वेश्चन इससे फंसा था पिछली बार भी। ठीक है, वहीं दोस्तों सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, 399 में है। ठीक है, 5512 पदों के लिए, और ये है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का ई बुक दोस्तों। तो जैसा आपको समझ में आया दोस्तों वैसे आप कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। बाकी दोस्तों रही अगर परीक्षा की बात, तो साथियों जहां तक मेरा अनुमान है साथियों ये पेपर आपके अगस्त में करवा ले जाएंगे, बाकी जो भी होता है आगे आपको खुद ही समझ में आएगा। बाकी आप देखिए मेरा एक ही कहना होगा कि साथियों आप पढ़ाई में ब्रेक मत करिए, क्योंकि अगर पढ़ाई में ब्रेक करते हो दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें करें, अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें राय भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।